हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज अश्विनी कुमार। हेलो गाइस, आई एम विकास। सो गाइस आज की वीडियो अपने शोल्डर वर्कआउट के ऊपर है, और ये जो वर्कआउट रूटीन चल रहा है, ये जो वर्कआउट सीरीज चल रही है, जब आपको 4 या 5 महीने हो जाएंगे करते करते, तब आपको ये फॉलो करना है। पहले मैंने बिगिनर वर्कआउट का डाल दिया, तो आज हमारा ये 3D शोल्डर डे है। जैसे अपने 3 डेल्ट होते हैं, अगर ये तीनों डेल्ट ट्रेन होंगे तब ये 3D लुक आएगी। जैसे अपने फ्रंट डेल्ट, एंटीरियर डेल्ट, ये अपना साइड डेल्ट, लेटरल डेल्ट, और ये अपना रियर डेल्ट, जिसको हम पोस्टीरियर डेल्ट भी बोलते हैं। इनको ट्रेन करना बढ़िया से, और ये अपने ट्रैप्स हो गए, ये चीज जिनको हम कोलर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से ट्रेन करना है, और मसल में पंप देखेगा जो हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर जिस भी एक्सरसाइज से आपको पंप मिल जाता बढ़िया, तो वो मसल गेन करेगी करेगी वो एक्सरसाइज। और आज ऐसी कुछ टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप हमेशा कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो हमेशा आपको असर करेगी। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई इतने दिन हो गए मेरे को एक्सरसाइज असर नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी करते हो कुछ चीजें तो वो असर करना बंद कर देती है। आज हम सही टिप्स देंगे आपको, तो वर्कआउट करते हैं स्टार्ट नॉन स्टॉप। सो गाइस शोल्डर वर्कआउट में देखो वार्म अप से स्टार्ट करना है, जो अपना नॉर्मल है, जंपिंग जैक्स आंसर के लिए तो करने, लेकिन थोड़ा सा शोल्डर वर्कआउट के लिए वार्म बढ़िया करो। चलो वार्म अप, थोड़ा वार्म अप सेट है अपना, बस बस चल चल बस 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 ठीक है। इस तरह से 1-2 बार कर लेना, बस 10-10, 15-15 रैप, थोड़े से अपने वार्म हो जाएंगे शोल्डर, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। सो भाई देखिए अपनी दूसरी एक्सरसाइज ये वाली कर लेना, ठीक है। ये 10 बार रेपिटेशन से कर लेना डंबल स्क्रू। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब रख दो, बस अपना स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सो गाइस अपनी अब फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी शोल्डर से, ठीक है। शोल्डर बारबेल प्रेस, चलो ठीक है। इस तरह से देखिए प्यार से उठाएं, हाँ बस, ये एल्बो ज्यादा बाहर नहीं जानी है, थोड़ा अंदर, हाँ बस ठीक है। थोड़ा नीचे लाओ, यहां टच करो, ये वाह, हाँ ये 3, चलो अप 4, स्लो स्लो लेकर आओ, बस स्लो स्लो स्लो, नेगेटिव फोर्स के साथ, ठीक है, स्लो 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 स्लो। यही वो टेक्निक है गाइस, जिससे मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो हमेशा उसको असर करेगी, ठीक है, हमेशा मसल पर इफेक्ट डालेगी वो, बस स्लो स्लो, बस बहुत बढ़िया। अपनी सेकंड अब एक्सरसाइज होगी अपनी लेटरल रेज, ठीक है, डंबल से। तो ये देखिए लाइट वेट लेना, 5-5 kg के डंबल लिए, क्योंकि इन पे यार हैवी लिफ्ट नहीं करना, फुल सही पोजीशन के साथ कंफर्टेबल होके पूरे सही से रेपिटेशन लगाने। चलिए लगाओ, हाँ 1, बहुत बढ़िया, यही 2, स्लो 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 लाओ नीचे, बस ये 3-4, वेरी गुड, चल बहुत बढ़िया। पूरा मसल को फेल करना है, जब तक मसल जवाब ना दे दे कि हाँ यार अब नहीं हो रहा, जब 1-2 रैप और लगाने अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो, बस जो बात है, बहुत बढ़िया। ये अपने लेटरल को, ठीक है, ये जो अपना साइड डेल्ट होता है इसको अपने बढ़िया से ट्रेन करेगी, और 4 सेट इसके करने हैं तभी मसल में पंप आएगा बढ़िया। सो गाइस अपनी थर्ड एक्सरसाइज होगी डंबल रियर डेल्ट, ठीक है, रियर डेल्ट फ्लाई। ये अपने रियर डेल्ट के लिए है, जिसकी वजह से ही 3D लुक आएगी इसमें, ठीक है। बहुत से गाइस इसको ट्रेन ही नहीं करते, फ्रंट लगाए, फ्रंट की बहुत सारी एक्सरसाइज लगा ली, साइड रेज बहुत सारी लगा ली, अपराइट रो लगा ली, हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम फिटनेस तौर पर बस लिमिटेड एक्सरसाइज करते हैं। चलो ये देखो इस तरह से इंक्लाइन कर लेना इसको, ये देखो, ठीक है, ये बस ये अपना शोल्डर यहां तक आएगा, ठीक है, हाँ इस तरह से अपनी फ्लाई चलेगी डंबल से, रियर डेल्ट डंबल फ्लाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इसी तरह से, हाँ स्लो स्लो को कंट्रोल करो इस पर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और देखो लाइट वेट लिया है, इन पर कोई हैवी लिफ्ट करके कोई फायदा नहीं है, बस जितना फील कर पाए, ठीक है। इस तरह से 10-12 रेपिटेशन और 4 सेट। सो गाइस अपनी फोर्थ एक्सरसाइज होगी इसके लिए रियर डेल्ट के लिए, क्या है ये, पैक डेक रिवर्स फ्लाई, चलिए स्टार्ट करें। चलो भाई विकास बढ़िया, ठीक है, इस तरह से है ना, ये देख लो ग्रिप पूरी सही से पकड़ लेनी है, ये देखो रियर पे, रियर डेल्ट पे असर आएगा, ये देखो 1, हाँ इस तरह से करो, चलो वेरी गुड, ये फील करके पूरा, बहुत बढ़िया भाई, यहीं तक लाना, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस यहीं तक लाना होता, कुछ लोग बिल्कुल ही चिपकाने की सोचते, नहीं बिल्कुल ये ठीक है, बस यहाँ पे पूरी कॉन्टैक्ट हो रही है, ये स्क्वीज, हाँ बहुत बढ़िया स्ट्रेच, इसको बस स्लो स्लो करना है, ठीक है, 10-12 रेपिटेशन, 3-4 सेट। सो गाइस अपनी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज होगी अपने ये कॉलर के लिए, ठीक है, ट्रैप्स जिसको बोलते हैं, 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको हैवी उठाना और आप उठा लोगे, इसमें कोई आपको लिफ्ट नहीं करनी है, ठीक है, इसमें आप उठा सकते हो, चलो स्टार्ट करो। तो ऐसे नहीं, ऐसे मत उठाओ, ठीक है, हमेशा वेट को उठाओ अपने लेग से, ठीक है, सेव योर लोअर बैक, चलो बस सही से, हाँ बहुत बढ़िया, चलो करो पीछे पूरा, ये इस तरह से देखिए, ये पीछे मिलाएं और फिर ये ऐसे आगे लाने हैं, चलो चलो, हाँ स्ट्रेट रहो, स्ट्रेट स्ट्रेट, बस पीछे, हाँ पीछे कॉन्टैक्ट करें, ये आगे स्ट्रेच, चलो बहुत सही।
हाँ फील करके पूरे पंप करना, ये ट्रैप्स की एक्सरसाइज है, अपनी ट्रेपेजियस मसल जो होती है। चलो बहुत बढ़िया, इस तरह से 10 से 12 रेपिटेशन देखिए, 20 से लगाएं, फिर आप 25 ट्राई कर सकते हैं, 30 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन यार आपके अंदर मसल होना चाहिए बढ़िया। सो गाइस देखिए अपना वर्कआउट हो गया खत्म, ठीक है। 5 एक्सरसाइज होगी हमने हर एक मसल को, ठीक है, जिसके पार्ट होते हैं, जैसे फ्रंट साइड, ये अपना रियर डेल्ट, अपने ट्रैप, सबको एक एक एक्सरसाइज बढ़िया पंप कर दिया और वो ग्रो करेगा। जो भी मसल आज ट्रेन कर रहे हो, नेक्स्ट डे ट्रेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 48 आवर्स कम से कम लगते हैं मसल को रिकवर होने में। और अब देख लीजिए अभी मोस्ट मस्कुलर पोज, चलो ये देख लो पंप, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। तो बस ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिटनेस तौर पर इतनी एक्सरसाइज काफी होती है और आपकी बॉडी बनेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, सब रखना होगा, ठीक है। सो गाइस फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।